चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे भाई साबू, क्या बात है? आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो। कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गर्मा गर्म चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। चाची चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, जल्दी लाओ भगवान। साबू चाय का कप देखकर हंस पड़ता है। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ, अब तो काफी है ना? साबू उस टब को हाथों में उठा लेता है। है तो ये भी छोटा है, पर खैर पी ही लेता हूँ। चाचा चौधरी, 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूंगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1,000 रुपए में जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। चाचा चौधरी साबू को ले आते हैं। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो। अभी लो चाचा जी। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। कुछ ही देर में, लो सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए।